नमस्कार दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया था आर्म फोर्स के लिए। तो इंडियन एयर फोर्स ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहाँ पे एग्ज़ाम का डिटेल से लेके सारा डिटेल्स दिया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम प्रोसेस कब से शुरू हो रही है, फॉर्म कब आप भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारा वीडियो चीज़ देखेंगे। हमने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है अग्निवीर या और अग्निपथ का डिटेल, सैलरी से लेके सारा चीज़ों के लिए। तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इंडियन एयर फोर्स ने 3,500 पोस्ट के लिए अपना ऑनलाइन नोटिफिकेशन डाल दिया है, जो आप इंडियन एयर फोर्स .NIC.IN पे जाके चेक कर सकते हो। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये PDF भी डाल दूंगा। तो जैसे कि अनाउंसमेंट हुई है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 24 जून से, और लास्ट डेट है 5 जुलाई तक। तो 24 जून से 5 जुलाई के बीच में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनाया है, अग्निपथ युवा .CTAC.IN। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप वो हैंडी देख लो। एक आपको 10th पास का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th और इक्विवेलेंट का पास का मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर फोटो चाहिए, उसके बाद लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन का इमेज चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, कैंडिडेट के पेरेंट्स का सिग्नेचर का इमेज चाहिए यदि आप 18 साल से छोटा हो तो, और आपके मार्कशीट में इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क्स डिस्प्ले होना चाहिए डिप्लोमा का। यदि डिप्लोमा में आपका इंग्लिश नहीं है तो आप 12th और 10th के मार्क्स इंग्लिश मार्क्स डिस्प्ले करवा सकते हो। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, या बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि एग्जामिनेशन फी क्या होगा। तो इंडियन एयरफोर्स ने दिया है कि आपको आपका एग्जामिनेशन फ़ी होगा 2,500 रुपया। आप इसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके। आपको अप्लाई करने के लिए या तो मतलब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नेसेसरी है, और आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, तभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। यदि आप जम्मू एंड कश्मीर, असम और मेघालय से हो तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेदर देन आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम सैलरी या क्या क्या चीज़ें मिलेगा। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल चुका है, या आप लोगों ने बहुत ऑलरेडी बात कर चुका है, तो इसीलिए हम इस पे नहीं जाते हैं। हम अब आ जाते हैं कि एज लिमिट हम बता चुके हैं। एज लिमिट वही 17.5 साल से 23 साल तक की होगी। और यदि आप ये नोटिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पे डिटेल सारा चीज़ दिए गए हैं। तो हम यदि एक सारा चीज़ सारा स्टेप एक्सप्लेन करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं फॉर्म कैसे भरा चाहिए अभी इसमें नहीं कर रहा हूँ। जब ओपन हो जाएगी तो उसके बाद हो सकती है कि हम एक अलग से वीडियो बना लें। कुछ छोटा छोटा, जैसे कि आप एयरफोर्स के लिए आपकी हाइट मिनिमम चाहिए 152.5 cm, और चेस्ट की एक्सपेंशन 5 cm की चाहिए। वेट आपकी हाइट और इसके हिसाब से, एज के हिसाब से होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, कितने फेज़ का एग्ज़ाम होगा और क्या क्या होगा। तो देखो, जैसे इंडियन एयरफोर्स का जो जनरल सिलेक्शन प्रोसेस है, वही अग्निवीर या के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो फेज़ 1 होगा ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में आपको 2 या 3 एग्ज़ाम होंगे। एक होगा साइंस सब्जेक्ट का, जो 60 मिनट का होगा। दूसरा होगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो 45 मिनट की होगी। इसमें साइंस सॉरी इंग्लिश और जनरल रीजनिंग और जनरल एवरेज का क्वेश्चंस रहेगा। हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसके लिए 0 मार्क्स मिलेगा, और यदि आप एक गलत आंसर दे रहे हो तो उसके लिए आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा आपके आंसर से। तो जब आप जो जो बंदा फर्स्ट फेज एग्ज़ाम पास कर लेगा, उसकी एक लिस्ट आ जाएगी एयरफोर्स के साइट पे, या फिर आपको नेक्स्ट फेज़ के लिए एडमिट कार्ड आपको मेल कर दिया जाएगा। आप उसे ऑनलाइन या ईमेल से आप अपने डाउनलोड कर सकते हो।
और जब आप सेकेंड फेज के लिए जाओगे तो आपकी सारी आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी रखना होगा, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद मेडिकल सॉरी फिजिकल टेस्ट होगी। फिजिकल टेस्ट के बाद दो और टेस्ट हैं जिसे हम लोग बोलते जिसे बोला जाता है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2। ये तीनों पे टेस्ट को पास करना मैंडेटरी है। और जो मतलब ये हुआ कि पहले फिटनेस होगा, उसमें जो जो पास होगा उसका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 होगा, उसमें जो जो पास होगा उसका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 होगा। इसके बाद नेक्स्ट फेज है मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये थी आपका एग्ज़ाम की कब क्या मतलब क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगी। तो यदि हम राइट डाउन करें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, वो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। 24 जून से 5 जुलाई के बीच में आप एप्लीकेशन कर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो। आपका आपको एग्जामिनेशन फीस 2500 रुपया लगेगा, जो आप ऑनलाइन या फिर नेट बैंकिंग से आराम से भर सकते हो। और इसके लिए अप्लाई कर आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये दिसंबर से इसकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी, 11 दिसंबर को आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी, जो ज्वाइनिंग हो गई। तो ये हो गई टाइमलाइन। टाइमलाइन ये है कि 24 जून से 5 जुलाई के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। पहला मतलब फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम 15 जुलाई का होगा, और सारा प्रोसेस होने के बाद 11 दिसंबर 2022 को आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यदि आप सारा सारा टेस्ट पास कर लेते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।